लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मंदसौर में अज्ञात बदमाशों ने एसआरएम केबल नेटवर्क के संचालक युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर की हत्या। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। 9 दिन की पूजा पाठ के बाद आज सभी देवी भक्तों ने दी मां को विदाई। विसर्जन के दौरान एक युवक की हुई तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत। कचरावत के इंदौर रोड मेला ग्राउंड मैदान में 51 फीट के रावण का किया दहन। देश भर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया। मंदसौर में बुधवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने एसआरएम केबल नेटवर्क के संचालक युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उधर घटना के बाद तत्काल चौहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे युवराज सिंह चौहान गीता भवन के निकट एक चाय की होटल पर खड़े थे। उसी समय बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवराज को 3 गोली मारी, जिससे चौहान की मौत हो गई। घटना के बाद पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अस्पताल में भी पुलिस बल तैनात किया गया। संघ और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े अनेक लोग अस्पताल पहुंचे। उधर घटना के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। मंदसौर से ललित भाटी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद में विभाग सहमंत्री की जिम्मेदारी थी युवराज जी के पास, और आज सुबह लगभग 11:30 बजे मुझे सूचना मिली कि युवराज सिंह जी को किसी ने गोली मार दी है और उनकी हत्या कर दी गई है। क्या पद था उनके पास? विभाग सहमंत्री की जिम्मेदारी थी। मंदसौर, नीमच और गरौट तीनों जिलों के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई है, जिसमें एक बाइक पर 3 आरोपी आ करके हमारे यहाँ पर युवराज सिंह जी हैं, उनको गोली मार करके हत्या की गई है। तो अभी पुष्टि हुई है उनकी हत्या की। साथ ही जो संदिग्ध है उनके लिए टीमें पुलिस ने रवाना की है, जैसे ही आगे कुछ पता चलता है। और कितनी कितनी गोलियाँ लगी? 3 गोली लगी। सर, वो किसी पद पर भी थे? ये सारी चीज़ें और वेरीफाई भी करें, वो पद पर भी थे, और इसी के लिए टीमें भी रवाना की, कहाँ कहाँ संदिग्ध हो सकते हैं, जिन पे शंका की जा रही है उनके लिए सभी जगह टीमें भी रवाना। 9 दिन की पूजा पाठ के बाद आज सभी देवी भक्तों ने मां को अंतिम विदाई देते हुए गाजे बाजे के साथ मां शेरावाली की मूर्तियों का विसर्जन किया। इसी दौरान एक युवक की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में मातम का माहौल छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के महोखर गांव का है, जहां देवी भक्तों के द्वारा मां शेरावाली की मूर्तियों का विसर्जन गांव के ही एक तालाब में किया जा रहा था। उसी तर्ज पर सभी भक्तगण आज गांव में रखी लगभग 1 दर्जन मूर्तियों को गाँव में भ्रमण कराते हुए विसर्जन के लिए गाँव में बनाए तालाब में ले गए। वहीं जब सभी लोग मूर्तियों का विसर्जन कर रहे थे, तभी एक युवक तालाब में डूब गया। तालाब में डूब रहे युवक ने अपने बचाव के लिए आवाज लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां पर ढोल नगाड़ों की आवाज के आगे उस युवक की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची, और हजारों लोगों के बीच में देखते ही देखते वह युवक पानी में डूब गया और उसकी आवाज खामोश हो गई। विसर्जन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसका शव लोगों को पानी की सतह पर दिखा। जब लोगों ने उसे निकाला तो देखा कि वह गांव का ही रहने वाला विनोद सिंह था। लोगों ने परिजनों को सूचना दी तो पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कल हमारे गाँव में देवी विसर्जन था। देवी विसर्जन के वक्त जब सारे दिन भ्रमण हुआ गांव में, भ्रमण होने के बाद जब तालाबों में देवी विसर्जन होता है हमारे यहाँ, तो जब विसर्जन के टाइम तालाब में एक व्यक्ति तालाब में नहा रहा था, नहाते बहुत देर तक नहाते रहे, तो लोग देखते रहे कि नहा रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा कि बाहर निकलाओ, तो कह रहे थे कि हम नहा रहे हैं, और नहाने के वे थोड़ी देर नहाते रहे, नहाने के थोड़ी देर बाद ही देखा कि वो डूब गए और उनकी डेथ हो गई। तो उसको कैसे बचाया? कई लोग कूद के पानी में गए और पानी से निकाल के बाहर लाए, जब तक फिर सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मृत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था उस लोग का? विनोद सिंह नाम था उनका, काका का पक्का। और लोग निक नेम उनका काका है, विनोद सिंह नाम था, और मैं ही माओखर के निवासी थे वो। कचरावत के इंदौर रोड मेला ग्राउंड मैदान में 51 फीट का रावण का दहन किया गया।
देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दशहरा मनाने के लिए कसरावत क्षेत्र के अन्य ग्रामों से भी लोग मेला ग्राउंड पहुंचे, जहां सभी ने रावण दहन को देखा। इस दौरान मुस्लिम समाजजनों ने पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को बधाई दी। कसरावत से अजीत सूफी की रिपोर्ट। नौरोजाबाद तहसील के रामलीला मैदान में बीती रात एक बड़ा झूला अचानक टूट गया। इस हादसे में 80 से 100 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ लोगों को कालरी रीजनल अस्पताल नौरोजाबाद में तो कुछ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। नौरोजाबाद से हंसराज द्विवेदी की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक एवं सभी किसानों एवं कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सिमरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कमलनाथ मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। बीजेपी विधायक ने कहा कि अतिवृष्टि से जो फसल बर्बाद हुई है उसका जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों और बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर कमलनाथ सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पवई से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसानों को मुआवजा देना होगा, देना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने भोपाल जाके भी अभी 30 अगस्त को मुख्यमंत्री को चिट्ठी बनाई थी, अतिवृष्टि लेकर के उड़द, तिल, सोयाबीन, और मैंने कहा था इसका जल्दी से जल्दी सर्वे कराएं और किसानों को मुआवजा दिलाएं, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा रूप लेंगे और हमारे ऊपर के आदरणीय हमारे पूर्व सीएम साहब शिवराज सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी, पूरी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, सभी लोग, पूरी टीम इसमें आंदोलन करेगी, बड़ा उग्र रूप लेगी और किसानों की लड़ाई के लिए गली गली हम लोग उतर के लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के हक की पूरी लड़ाई ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, तहसील सिमरिया के किसानों ने माननीय विधायक जी के सानिध्य में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों में हुए नुकसान के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और प्रशासन द्वारा उसका सर्वे भी करा लिया गया है और शासन को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। शासन स्तर से जो भी आदेश प्राप्त होंगे आगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी और किसानों को प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता कर सके। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।